चलिए, तो आज हम लोग बात करेंगे, एक बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल है आपका, इसमें बहुत कुछ जानने के लिए है। आपने सुनते रहते हैं आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार की बात हमेशा से होती रहती है, वैसे क्वेश्चंस भी हमेशा बनते रहते हैं, प्रीलिम्स में भी आपके बनते रहते हैं और मेंस में भी बनते रहते हैं। तो कई फैक्ट आपको मिलेंगे जो प्रीलिम्स के भी लिए जरूर रह जाएंगे और मेंस के लिए भी जरूरी रहेंगे। चलिए तो बात करते हैं, अभी चर्चा में क्यों है, सबसे पहले बात करते हैं इसी से। हाल ही में आपने देखा है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय, होम मिनिस्टर, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, जिसके आपने देखा है कि होम मिनिस्टर कौन है, अमित शाह साहब। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आपराधिक कानून में सुधार के लिए एक राष्ट्रीय स्तर की समिति का गठन किया है। आपराधिक कानून में सुधार के लिए गठित की गई राष्ट्रीय स्तर की समिति में दिल्ली की नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के कुलपति रणबीर सिंह सहित न्याय क्षेत्र के विशेषज्ञों को शामिल किया गया है। यह समिति विशेषज्ञों के साथ परामर्श करके अपनी रिपोर्ट के लिए ऑनलाइन सुझाव एकत्रित भी करेगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा 5 सदस्यीय समिति के गठन का निर्देश देश की आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार लाने का एक प्रयास है। इस नाम को याद रखिए, रणबीर सिंह को। गौरतलब है कि दिसंबर 2019 में संसद में भीड़ हत्या, जिसे आप लोग मॉब लिंचिंग कहते हैं, यानी कि किसी व्यक्ति को भीड़ द्वारा मार देना, जैसी घटनाओं के लिए अलग कानून की मांग पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मंत्री ने जानकारी दी कि सरकार ऐसे मामलों को लेकर भारतीय दंड संहिता और आपराधिक प्रक्रिया संहिता में आवश्यक परिवर्तन पर विचार कर रही है। इस आलेख में आपराधिक न्याय प्रणाली का अर्थ क्या होता है, इसी के बारे में जानने वाले हैं। आपराधिक न्याय प्रणाली से तात्पर्य आखिर होती क्या है, आपराधिक न्याय प्रणाली उस पर बात करते हैं। आपराधिक न्याय प्रणाली का तात्पर्य होता है कि सरकार उन एजेंसियों से है जो कानून लागू करने, आपराधिक मामलों पर निर्णय देने और आपराधिक आचरण में सुधार करने हेतु कार्यरत है। वास्तव में आपराधिक न्याय प्रणाली सामाजिक नियंत्रण का एक साधन होती है, क्योंकि समाज कुछ व्यवहारों को इतना खतरनाक और विनाशकारी मानता है कि वह उन्हें नियंत्रित करने का भरपूर प्रयास भी करता है। आपराधिक न्याय प्रणाली की पृष्ठभूमि की अगर बात करें हम लोग, तो भारत में आपराधिक कानूनों का संहिताकरण ब्रिटिश शासन के दौरान किया गया था, जो कमोबेश 21वीं सदी में उसी तरह है। एक तरह से आप कह सकते हैं कि सोचिए आप लोग, बाबा आजम के जमाने के हम लोग वही कानून आज भी फॉलो कर रहे हैं। कई कानून आप देखते हैं सुधार भी होते रहते हैं, और याद रखिए अंग्रेजों ने अपने हिसाब से कानून बनाए हुए थे, जो भी उन्होंने कानून बनाए थे अपने हिसाब से बनाए हुए थे। अब वो समय बदल चुका है, हमें आजादी मिल चुकी है, तो हमें अपडेट हो जाना चाहिए। लॉर्ड थॉमस बिंगटन मैकाले को भारत में आपराधिक कानूनों के संहिताकरण का मुख्य वास्तुकार या फिर जनक कहा जाता है। वर्ष सन 1834 में स्थापित भारत के पहले विधि आयोग की सिफारिशों पर चार्टर एक्ट 1833 के तहत वर्ष 1860 में आपराधिक कानूनों के संहिताकरण के लिए मसौदा तैयार किया गया था, और इसे वर्ष 1862 के शुरुआती ब्रिटिश काल के दौरान ब्रिटिश भारत में लागू किया गया था। ब्रिटिश भारत का कहने का मतलब है कि उस समय हम लोग ब्रिटिश यानी कि अंग्रेजों के गुलाम थे, एक तरह से उन्हीं के अंडर में आते थे। भारत में आपराधिक कानून भारतीय दंड संहिता 1860, आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 आदि के तहत संचालित होते हैं। इसमें आप दो देख रहे होंगे, आपराधिक कानून भारतीय दंड संहिता 1860 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872, एक अब के हैं, अंग्रेजों के समय के हैं। आपराधिक कानूनों में सुधार के लिए पूर्व भी प्रयास किए गए, इससे पहले भी कई तरह के प्रयास किए गए। इन समितियों को याद रखना, क्योंकि इनसे भी आपका डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है, और जब भी आंसर लिखने के लिए आता है मेंस में, तो आप इन समितियों का उदाहरण दे दिया करिएगा, इन्हें भी उसमें शामिल कर लिया करिएगा, एक प्रभावकारी आंसर हो जाता है। मलिमत समिति, ये 2003 में आई। मलिमत समिति ने अपनी रिपोर्ट में भारतीय आपराधिक न्याय प्रणाली से जुड़े लगभग 150 से अधिक सुधारों के सुझाव दिए थे। फिर आपकी माधव मेनन समिति, ये आती है 2007 में। माधव मेनन समिति ने वर्ष 2007 में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में कई अपराधों को परिभाषित करने के साथ साथ पीड़ितों को अधिकार देने के उद्देश्य में कुछ अपराधों को वर्गीकृत करते हुए चार अलग अलग संहिताओं में बांटने का सुझाव भी दिया। इसके अतिरिक्त समिति ने दांडिक न्याय सुधार हेतु विज्ञान और प्रौद्योगिकी का उपयोग को बढ़ावा देने तथा पीड़ितों को मुआवजा दिलाए जाने का सुझाव भी दिया था। किसने? माधव मेनन समिति ने।
फिर आती है आपकी न्यायमूर्ति जे एस वर्मा समिति, ये आपकी 2013 में आती है। वर्ष 2012 के निर्भया मामले के बाद बनी जस्टिस वर्मा समिति की रिपोर्ट के आधार पर आपराधिक कानून संशोधन विधेयक 2013 लाया गया। फिर आज विधि आयोग की बात करें, इस प्रकार विधि आयोग भी समय समय पर आपराधिक कानूनों में सुधार के लिए अपनी रिपोर्ट देता रहता है। सबसे बड़ी बात आती है कि आखिर क्यों सुधार की बात की जा रही है, आवश्यकता क्यों है। आखिर जब तक आप कोई काम तभी तो सुधार करते हैं जब उसमें आवश्यकता हो, महसूस हो रही हो कि अब इसमें बदलाव किया जाए। औपनिवेशिक काल के आपराधिक कानून, आपराधिक न्याय प्रणाली ब्रिटिश औपनिवेशिक न्याय शास्त्र की प्रतिकृति है, जिसे राष्ट्र पर शासन करने के उद्देश्य से बनाया गया था, ना कि नागरिकों की सेवा करने के लिए। आप जानते हैं कि उस समय मानव कल्याण उनका उद्देश्य था ही नहीं, अंग्रेजों का, उनका कल्याण था शोषण, अपना शासन चलाना। उन्हें यहाँ के समाज से कोई मतलब नहीं था कि मर रहे हैं, कट रहे हैं, क्या हो रहा है, समझ रहे हैं। लेकिन अब समय बदल चुका है, हम लोकतंत्र वाले देश में रह रहे हैं, समझ रहे हैं, यहाँ बोलने का, सबको रहने का, जीने का अधिकार है। और सरकारें, हम देखते हैं कि हमारी सरकार लाभ को कम ध्यान देती है, लेकिन समाज के कल्याण को कुछ ज्यादा ही ध्यान दिया जाता है। भाव शून्यता, आपराधिक न्याय प्रणाली का उद्देश्य निर्दोषों के अधिकारों की रक्षा करना और दोषियों को दंडित करना था, किंतु आजकल यह प्रणाली आम लोगों के उत्पीड़न का एक उपकरण भी बन गई है। विचाराधीन आपराधिक मामलों का बढ़ता बोल, आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 के अनुसार न्यायिक प्रणाली में विशेष रूप से जिला एवं अधीनस्थ न्यायालयों में लगभग आपके 3.5 यानी कि 3.5 करोड़ मामले लंबित हैं। अंडर ट्रायल मामलों की बढ़ती संख्या, भारत दुनिया में के सबसे अधिक अंडर ट्रायल कैदियों की संख्या वाला देश है। वर्ष 2015 की NCRB प्रिजन स्टैटिस्टिक्स इंडिया NCRB के अनुसार जेल में बंद कुल जनसंख्या का 67.2% अंडर ट्रायल कैदी है। फिर आपका जांच पड़ताल में देरी, भ्रष्टाचार काम का बोझ और पुलिस की जवाबदेही न्याय की तेज और पारदर्शी न्याय देने में एक बड़ी बाधा बनी हुई है। पुलिस सुधार में भी आप लोग देखते रहते हैं कि चर्चा बनी रहती है कि पुलिस में भी सुधार होना चाहिए। सुझाव हेतु अगर कुछ सुझाव की बात करें हम लोग, तो संबंधों की सबसे स्पष्ट अभिव्यक्ति माना जाता है, इसलिए भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली में किसी भी संशोधन को कई सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए। अपराध पीड़ितों के अधिकारों की पहचान करने के लिए कानूनों में सुधार हेतु पीड़ित होने का कारण पर खास तौर पर जोर दिया जाना चाहिए। उदाहरण, पीड़ित एवं गवाह संरक्षण योजनाओं का शुभारंभ, अपराध पीड़ित बयानों का उपयोग, आपराधिक परीक्षणों में पीड़ितों की भागीदारी में वृद्धि, मुआवजे एवं पुनर्स्थापन हेतु पीड़ितों की पहुंच में वृद्धि हो, नए अपराधों के निर्माण और अपराधों के मौजूदा वर्गीकरण के पुनर्मूल्यांकन को आपराधिक न्याय शास्त्र के सिद्धांतों द्वारा निर्देशित किया जाना चाहिए, जो पिछले 4 दशकों में काफी बदल गए हैं। उदाहरण के लिए दंड की डिग्री देने के लिए आपराधिक दायित्व को बेहतर तरीके से वर्गीकृत किया जा सकता है। नए प्रकार के दंड जैसे सामुदायिक सेवा आदेश, पुनर्स्थापना आदेश तथा पुनर्स्थापना एवं सुधारवादी न्याय के अन्य पहलू भी इसकी तह में लाए जा सकते हैं। फिर आपका अपराधों का वर्गीकरण भविष्य में होने वाले अपराधों के प्रबंधन के लिए अनुकूल तरीके से किया जाना चाहिए। आईपीसी के कई अध्यायों में दोहराव की स्थिति है। लोक सेवकों के खिलाफ अपराध, अधिकारियों की अवमानना, सार्वजनिक शांति और अतिचार पर अध्यायों को फिर से परिभाषित और संकुचित किया जा सकता है। किसी भी कार्य को एक अपराध के रूप में सूचीबद्ध करने से पहले पर्याप्त बहस के बाद ही मार्गदर्शक सिद्धांतों को विकसित किया जाना चाहिए। असिद्धांतिक अपराधीकरण न केवल अवैज्ञानिक आधार पर नए अपराधों के निर्माण की ओर जाता है, बल्कि आपराधिक न्याय प्रणाली में मनमानी भी करता है। एक ही तरह के अपराधों के लिए अलग अलग तरीके से सजा का प्रावधान और सजा की प्रकृति को तय करने में न्यायाधीशों का विवेक न्यायिक पूर्व उदाहरण या फिर न्यायिक मिसाल के सिद्धांतों पर आधारित होना चाहिए। इन बदलाव से क्या लाभ होगा कि उस पर भी बात कर लेते हैं। इस प्रकार की समितियों के माध्यम से समय समय पर न्यायिक प्रणाली में अपेक्षित सुधारों के माध्यम से न्यायालयों को अधिक प्रभावी बनाने में सहायता मिलेगी। समिति के संशोधनों के माध्यम से आपराधिक कानूनों में औपनिवेशिक काल की कमियों को दूर कर कानूनी प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाने में सहायता मिली प्राप्त होगी।
कानूनों के संदर्भ में बेहतर स्पष्टता होने से मामलों की सुनवाई में समय कम लगेगा और न्यायालयों पर लंबित मामलों की बढ़ती संख्या के दबाव को कुछ सीमा तक किया जा सकता है। एक बात और, आप लोग हमेशा सुनते रहते होंगे आप लोग कि कभी इतने लंबे लंबे मतलब सुनवाई में इतना टाइम लग जाता है कि कहा जाता है कि किसी व्यक्ति का फैसला आता है उसकी सजा के, उसकी मतलब मुकदमे का, वो 20 साल काट चुका होता है जेल, उसके बाद उससे बोल दिया जाता है कि तुम निर्दोष हो। तो आप सोचिए कि 20 साल काटने का मतलब क्या है। एक तरह से उसने सजा तो पूरी कर ही ली, उसके बाद बताया जा रहा है कि वो निर्दोष है, तो उस पर क्या बीतती होगी कि जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा उसने जेल में काट दिया, उसके बाद उसे न्याय मिला। तो इस तरह का भी देखे जाते हैं, आप भी देखते रहते होंगे अपने जीवन में, आसपास अपने सब कुछ ये चलता हुआ दिखाई देता है। वर्तमान में समिति को दिए गए अधिकांश मुद्दों जैसे भीड़ द्वारा हत्या को हत्या की श्रेणी में रखकर न्याय हो सकता है के संदर्भ में कानून पहले से उपलब्ध है, परंतु इनके लिए मैं नए कानूनों के मांग के विषय पर समिति की जांच के माध्यम से इस विवाद का अंत किया जा सकता है। अब आखिर इसके सामने चुनौतियां क्या हैं, उस पर भी बात कर लेता हूं। समय सीमा, समिति के कार्यों के अनुरूप इससे दी गई समय सीमा बहुत ही कम है। समिति में विविधता की कमी है, कई पूर्व न्यायाधीशों और विधि क्षेत्र के विशेषज्ञों ने इस समिति में विविधता की कमी का आरोप भी लगाया है। उदाहरण के लिए समिति में किसी भी महिला सदस्य को शामिल नहीं किया गया है। महिला सदस्य को शामिल करने की बात इसलिए की जाती है क्योंकि हम देखते हैं हमारे देश में कई विविधता भरा देश है, कई धर्म है, कई समुदाय है, तो इन सभी समुदायों से लेना चाहिए सबको ये कि आप देखिए 1947 की बात देखते हैं आप लोग कि पंडित जवाहरलाल नेहरू और आप देखते हैं भीमराव अंबेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल जिन सबके नाम पर राजनीति अभी सिकती रहती है रोटी, देखिए इनके विचार अलग अलग थे, फिर भी इनको नेहरू की जब मंत्रिमंडल बना तो उसमें इन्हें शामिल किया गया था। इसलिए शामिल किया गया था कि सभी मतलब सभी शामिल रहे, तो इससे क्या होगा सभी के हक, मतलब सभी के हक देखे जाएंगे, उसमें सभी की एक विचारधारा शामिल होगी। वरना आप समझते हैं कि अंग्रेजों ने क्या कहा था कि भारत बहुत से बहुत एक दो साल चल पाएगा, कई हिस्सों में बट जाएगा, लेकिन आप सोचिए कि इस तरह से संविधान हमारा बना कि आज भी हम लोग एक हैं, समझ रहे हैं। तो इसलिए विविधता भरे मतलब हर वर्ग से एक एक लेना चाहिए सदस्य, क्या होता है कि सब अपने अपना पक्ष रखेंगे, ST SC वाले अपना पक्ष रखेंगे, SC वाले अपना पक्ष, OBC इस तरह के लोग अपना पक्ष रखेंगे। आपका अंशकालीन सदस्यता, इस समिति के सदस्य पूर्णकालिक नहीं है, अधिकांश इस समिति के सदस्य होने के साथ अपनी पेशेवर प्रतिबद्धताएं जारी रखे हुए। वैश्विक महामारी, वर्तमान में COVID-19 महामारी के बीच समिति की गतिविधियां प्रभावित हो सकती हैं। अब इसमें आगे की राय क्या हो सकती है उसे भी देख लेता हूं। यह समिति को अपने कार्यों के लिए अधिक समय की आवश्यकता पड़ती है तो इस समय सीमा को बढ़ाया जाना चाहिए। इस समिति के कार्य क्षेत्र की संवेदनशीलता को देखते हुए समाज के विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधियों और विधि क्षेत्र में विशेषज्ञों को समिति में स्थान दिया जाना चाहिए। आपराधिक कानूनों में सुधार मुख्य रूप से समाज में शांति लाने के लिए सुधारवादी न्याय पर आधारित होना चाहिए। तो ये हाल था आपकी जो आपराधिक सुधार की बात होती रहती है, आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार की पूरी कहानी है एक तरह से, ठीक है। याद रखिए इसमें जो आपके लिए महत्वपूर्ण पॉइंट है उन्हें अच्छे से याद रख लीजिए।